This call is now being recorded. आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा था बच्चों, जिसमें हमने लास्ट टर्म पे क्या सीखा था, हमारे भिन्नों पर संक्रियाएं चल रही थी, भिन्न फ्रैक्शंस पर संक्रियाएं चल रही थी। कौन कौन सी संक्रियाएं हमने देख ली थी? जोड़ की, घटाव की और गुणा की, ये तीन संक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं बच्चों, है ना? बताएं आप सभी को तीनों संक्रियाएं समझ में आई थी? सबसे पहले हमने क्या देखा था, जोड़ की संक्रिया और घटाव की। जोड़ और घटाव के लिए हमने लासा एलसीएम लगाना निकालना सीखा था, उसके बाद हम भिन्नों को जोड़ते या घटाते थे, फिर हमने भिन्नों का गुणा सीखा, ठीक है? अब चौथा और लास्ट आपका संक्रिया है भाग की, जिसमें भी हमने भाग में दो चीजें सीख ली थी, या तो किसी भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग दे या पूर्ण संख्या को भिन्न से भाग दे, इतना हमने सीख लिया था। एक बार वही रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। तो भाग में हमने क्या सीखा था कि कोई भी आपका हो 8/3, इसे पूर्ण संख्या से भाग देना है, तो बताएं कितना आएगा। एक सबसे पहले मुझे बताएं, 8/3 को यदि हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? सभी बच्चे मैसेज करें इसका आंसर, चैट में बताएं। 8/3 को 4 से भाग देखोगे तो कितना आएगा? भिन्न को पूर्ण से हमने लास्ट टर्म पे सीखा था, क्या करा था, भाग की बजाय आपका चिन्ह गुणा का हो जाता है और दूसरी संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम याद आ रहा है आप सभी बच्चों को? व्युत्क्रम हमने करा था रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम में क्या होता है, अंश हर में आ जाता है, हर अंश में आ जाता है। जैसे आपका 3/5 है तो इसका व्युत्क्रम बताएं पहले क्या होगा, हर अंश से बदल जाएगा और अंश हर में, तो आपका इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 5/3। ऐसे 2/7 है, इसका व्युत्क्रम बताओ कितना होगा बच्चों, व्युत्क्रम बताएं 2/7 का व्युत्क्रम कितना होगा? बताए 2/7/2। हाँ गुड, बिल्कुल सही बताया आपने, 2/7 का व्युत्क्रम कितना होगा, 7/2। नीचे वाली संख्या, नीचे वाली संख्या ऊपर चली गई, ऊपर वाली संख्या नीचे आ गई। अब यदि केवल एक ही संख्या है 4, तब इसका व्युत्क्रम कैसे होगा, तब हम इसका हर क्या मान लेंगे, 1। तो 4/1/4। हाँ, 4 का व्युत्क्रम आपका कितना हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ पे आपसे 4 पूछा जा रहा है तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/4। इसी तरह यदि 1/3 है तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 3/1। 3/1 या फिर हम उसे 3 कह देंगे, 3/1, बात वही है, 3/1 कितना होगा, 3। तो ये तो हो गए हमारे व्युत्क्रम। सभी बच्चे साथ साथ नोट करें यदि नहीं आ रहा है उन्हें समझ में, तो व्युत्क्रम सबसे पहले बताएं, व्युत्क्रम आया समझ में सभी के, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, स्क्रीन सभी बच्चे बताएं, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। बेटा एक बार लेफ्ट करके जल्दी से, हाँ जिसे स्क्रीन नहीं दिख रही है वो एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर ले, कोई नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। सबको व्युत्क्रम समझ में आया? व्युत्क्रम क्लियर है, व्युत्क्रम नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, ठीक है? तो भाग में हमें क्या करना होता है, भाग में हमें सिर्फ भाग के निशान की जगह गुणा का निशान कर देना है और जो दूसरी संख्या हो उसकी जगह उसका व्युत्क्रम कर देना है। पहली संख्या वैसी की वैसी रहेगी, पहली संख्या को हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो आप बताओ मुझे यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? बताएं, 8/3 भाग की जगह गुणा का निशान, 4 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/4। बताएं सबके समझ में आ रहे, 4 की व्युत्क्रम 1/4,
तो हमें भाग देंगे तो चार से भाग देंगे, चार एकम चार, चार दुनी आठ, तो आंसर कितना आ जाएगा, गुणा कर दें, दो एकम दो और नीचे तीन एकम तीन, तो आपका क्या आ गया, 2/3, ये आपका आंसर आ गया। बताएं बच्चों क्लियर हुआ? कोई भी yes, ma'am. तो क्या करा हमने बताएं? क्या करा, भाग की जगह गुणा का चिन्ह करा और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर दिया। क्लियर हो रहा है? सभी बच्चों को बताएं, कुछ नहीं इसमें समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो। तो आगे इसी तरह और एग्जाम्पल पहले करते हैं। आप 6/5 को भाग दो 3 से, तो बताओ कितना आएगा, अभी आप लोग बताओ। पहली संख्या ऐसी रहेगी, गुणा की निशान आ जाएगा, भाग की जगह गुणा का निशान और दूसरी संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम। बच्चे कॉपी पे अपने सॉल्व करके जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा माइक ऑन करके पूछ लो। पहले क्या करना है, पहले मुझे 3 का व्युत्क्रम बताओ कितना होगा। अभी आपने बताया था व्युत्क्रम, 3 का व्युत्क्रम कितना होगा। एक बटे तीन। हाँ, 3 का व्युत्क्रम आपका आ गया 1/3। ठीक है, आप बताओ इसकी जगह कि यहाँ पे क्या आएगा, पहली संख्या की जगह पहली संख्या ही आएगी, वैसे की वैसी रख देनी है, फिर गुणा का चिन्ह और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। बताओ क्लियर हुआ, पहली संख्या वैसी की वैसी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह, 3 का व्युत्क्रम 1/3, तो अब इसे सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा। कुछ कट रहा हो उसे काट दो, फिर आंसर बताओ बच्चों कितना आएगा। दो मैम। ऊपर दो और नीचे 3 का पहाड़े से कटा, तो 3 एकम 3, 3 दुनी 6, ऊपर तो 2 आ गया, नीचे 5 ही 1 से गुणा करके बताएं। 5। तो आपका क्या आ गया, 2/5। क्लियर है? यस मैम। ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो इसी तरह क्या करना है, भाग करना है। आप एक और एग्जांपल देते हैं, आपका 14/3 डिवाइडेड बाय 2, बताओ इसका जल्दी से कितना होगा।
मैम 1/2 तो व्युत्क्रम हो जाएगा। हाँ, 1/2 व्युत्क्रम हो जाएगा। भाग की जगह किसका चिन्ह आ जाएगा? गुणा का गुणा का। और पहली संख्या वैसी की वैसी रखी रहेगी। क्लियर है? आप सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। साठ बटे तीन। हाँ, 7/3। सभी बच्चों को समझ में आया? बिल्कुल सही जवाब है। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो ये कितना आ गया? 7/3। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया? 7/3। क्लियर? ठीक है, अब दूसरे तरह का भाग देखें। दूसरे तरह में हमने क्या देखा था कि पूर्ण संख्या को हमें क्या भाग देना है? पूर्ण संख्या को आप भिन्न से भाग दे देते हैं। इसकी भाग दे देते हैं किससे? 2/5 से। तो देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। पूर्ण संख्या को आप भिन्न से भाग दे दे रहे हैं, पर तरीका वही है, सेम। पहली संख्या वैसी की वैसी रहेगी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह और दूसरी संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम। तरीका वही है, कुछ भी नहीं करना है, बस यही है। पहली संख्या वैसी की वैसी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। तो मुझे पहले, 4 में भाग में 5/2। हाँ, 4 गुणा में 5/2। बिल्कुल सही। सबको समझ में आया? क्या किया? व्युत्क्रम करा, मैम व्युत्क्रम किया। 2/5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे। 2/5 का व्युत्क्रम हो गया 5/2। ठीक है, तो अब ये आपका गुणांक की भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ गया और इसका व्युत्क्रम कितना हो गया? 5/2। अब सॉल्व करके बताओ कितना आ जाएगा आंसर। मैम 10। हाँ, बिल्कुल सही आंसर आया आपका, 10। कैसे? 2 का पहाड़ा पड़ा, 2 एकम 2, 2 दुनी 4। अब आपका नीचे 1 रह गया और ऊपर 5 दुनी 10, तो 10/1 आपका कितना आ गया? 10। तो इसका आंसर क्या हो गया? 10। बिल्कुल सही आंसर आया आपका। सभी बच्चे बताएं, सभी का 10 आया? यस तो सबको ऐसे समझ मैम में आया? ठीक है, तो इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं देती हूँ, करें। 15 को भाग देना है 3/7 से, बताएं कितना आएगा? पहला स्टेप बताएं क्या आया बच्चों आपका? बताएं। पहला स्टेप बच्चों बताओ। मैम 15/7, 7/3, 15 हाँ, 15 गुना गुणा। 7/3। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया। पहला स्टेप आपने, 15 पहली संख्या ऐसी रहेगी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 3/7 की जगह उसका व्युत्क्रम आ जाएगा। 3/7 का व्युत्क्रम कितना हो गया? 7/3। क्लियर? सभी बच्चों का इतना आया पहला स्टेप। आप सॉल्व करके आगे बताओ क्या आएगा। मैम 21। हाँ, तो ये अब आपका कितना आया?
कितना आया बेटा? 21। नहीं मम्मी सही से करें, सही से गुणा भाग सही करें बच्चे। हम 3 से 15 करेंगे तो 5 आ जाएगा। हाँ सही बताया आपने, 3 से 15 को भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। मैम 35/1। हाँ बिल्कुल सही, 35/1। 35/1 कितना हो गया? 35। तो आपका आंसर क्या आएगा? 35। सबके समझ में आया? यस मैम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसके अलावा सबको मिश्र भिन्न से मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना याद है? हमने इसके साथ साथ क्या सीखा था? एक बार पहले मिश्र भिन्न इसे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न में बदलना सीखा था। अनुचित भिन्न में बदलना याद है सबको? एक बार रिवाइज करते हैं। 4/2 इसे अनुचित भिन्न में बदलें कितना आएगा? 14/3। बिल्कुल सही। कैसे आया 14/3 बच्चे बताएं? मैम पहले 4 को 3 से गुणा करके 2+3 हो गया। हाँ तो सभी बच्चों को समझ में आया क्या हुआ? पहले 4 की 3 से गुणा की तो आपका 4 की 3 से गुणा की तो 12 आ गया। फिर उसके बाद 2 को जोड़ा/3, जो ऊपर वाली संख्या है उसे 2 को जोड़ना है, 3 वैसी का वैसी रहेगा, तो ये आपका आ गया 14/3। ठीक है, इसी तरह मुझे एक और बताओ, 5/2 कितना हो जाएगा? मैम 17/3। हाँ सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। बताएं 17/3 कैसे आया, आप बताएं? मैम पहले 5 को 3 से गुणा करके 2+3 हो गया। और कोई बच्चा बताए? और कोई जिससे समझ में आ गया हो जल्दी से बताएं, अनम्यूट कर लें अपने आप को, माइक खोल के बता सकते हैं बच्चे। मैम 3 को 5 से बात कर 15 आ जाएगा और 2+ कर देंगे 17 आ जाए, 17/3। हाँ बिल्कुल सही बताया। नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चों, टाइम से ज्वाइन किया करो, 5:30 बजे से आपकी क्लास होती है, 5:30 बजे से आ जाया करें। अब बीच में देखो आपको इतना छूट गया, कैसे समझ में आएगा? 3 × 15 + 2/3 तो ये आपका क्या आ गया? 17/3। तो ये मिश्र भिन्न से हमने किस में बदल दिया? अनुचित भिन्न में। ठीक है, तो अब भाग करने में कभी कभी हमारा क्या होता है, सीधा सीधा ना दे करके हमसे मिश्र भिन्न दे दी जाती है, तो मिश्र भिन्न को पहले अनुचित भिन्न में बदल लेंगे और उसके बाद भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग दे रखा है, आपका क्या दे रखा है कि एक मिश्र भिन्न है 4/2, इसे हमें भाग देना है 7 से, तो हम डायरेक्ट इसे भाग 7 से नहीं दे सकते, हमें क्या करना होगा, पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना होगा, उसके बाद हम भाग देंगे 7 से। तो पहले अभी बताएं, अभी आपने बताया था मुझे 4/2 कितना आया था आपका? 4/2 अभी अभी बताया बच्चे, फिर से बताएं जल्दी से। मैम 14/3। हाँ 4/2 आपका कितना आया था? 14/3। तो हम पहले क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे। साथ साथ अपनी कॉपी में लिखते चलो बच्चों, मिश्र भिन्न को क्या कर रहे हैं हम, अपनी अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं। 4/2 आपका कितना हो गया? 14/3। ठीक है, कॉपी में लिख रहे हो ना सब बच्चों साथ साथ? तो 14/3 अब हमें क्या करना है, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 14/3 / 7। बताओ सबके समझ में आ रहा है? 4/2 हमारा 14/3 हो गया है, तो 14/3 लिख देंगे हम उसकी जगह, डिवाइडेड बाय 7, भाग देना है उसे 7 से। बताओ सबकी समझ में आया?
आंसर बेटा अभी नहीं, अब आप करोगे जैसे हर क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे ही, भाग की जगह गुणा का चिन्ह और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम करें। सभी बच्चे वैसे ही करें, अब ऐसे क्वेश्चन तो हम कर ही अभी तक कर ही रहे थे। मैम 14/3 और 7/1। मैम 3/2 आएगा क्या? 3/2 कैसे आएगा बेटा? पहले ये बताओ अब तक हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे थे? आपको क्या बताया था? भाग की जगह क्या करना है? भाग की जगह गुणा का चिन्ह और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। मैम 14/3 गुणा 7/1। गुणा 7/1 तो वैसे ही है, व्युत्क्रम कितना होगा? 7/1 तो ये है ही, 7 ऊपर ही तो है, तो व्युत्क्रम में क्या होता है? हाँ, व्युत्क्रम में ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 1/7। बताओ सबके समझ में आया? यस मैम। मैम एक बार और समझा दो। ठीक है, तो देखो आपका 7 का व्युत्क्रम पूछा जा रहा है, तो 7 अपने आप में ही एक संख्या है पूर्ण, तो हम 7 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो हमें हर में भी तो एक संख्या चाहिए, तो हर में हम क्या मान लेते हैं? 1। 7 को 1 से भाग देंगे तब भी 7 ही आएगा, तो 7/1 का व्युत्क्रम कैसे निकालोगे? ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली संख्या ऊपर, तो व्युत्क्रम इसका कितना हो जाएगा? 1/7। बताओ व्युत्क्रम समझ में आया? यस मैम। तो व्युत्क्रम इसका कितना हो गया? 1/7। तो हम ऐसे ही तो सॉल्व करते थे, 14/3 भाग की जगह गुणा का चिन्ह और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, तो 7 का व्युत्क्रम आ गया आपका 1/7। ठीक है बच्चों, बताओ आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब भाग करके बताओ कितना आएगा? गुणा करो, भाग करो, 2/3 आंसर बताओ कितना आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, हमने 7 से भाग देंगे, 7 × 7, 7 × 14, तो ये आपका कितना आ गया? 2/3। 2/3 इसका क्या हो गया आंसर? सभी बच्चे नोट करें कॉपी में। मैम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दो एक। हाँ अभी दे रही हूँ, ये एक सबने नोट कर लिया? यस मैम। सभी बच्चे नोट करें साथ साथ, बच्चों नोट करते रह कर, ताकि बाद में क्लास के बाद आप उसे एक बार फिर हो रिवाइज करोगे तब और क्लियर होगा, तब कुछ नहीं समझ में आया उसका वो क्वेश्चन पूछ लिया कि ये नहीं समझ में आया था मैम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, पहले इसी को ही देखो, ये आपका कितना आ गया? 2/3 आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको देते हैं 3/4/7 को भाग देना है 2 से। तीन 4/7 कैसी संख्या है बच्चे? मिश्र भिन्न। हाँ, तो मिश्र भिन्न को सीधे सीधे नहीं रखते हैं, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। बदल दो, क्या आया अनुचित भिन्न में बदला? मैम ये कट तो नहीं रहा। कट नहीं रहा, वैसे कितना आया अनुचित भिन्न पहले बताएं? 3/4/7 कितना हुआ? मैम 25/7। बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आया। सबसे पहले हमने क्या किया? 3/4/7 को बदल लिया,
तो ये आपका कितना आ गया, 3 की 7 से गुणा करेंगे प्लस 4 करेंगे डिवाइडेड बाय 7, तो 3 7 21, 21 प्लस 4 बटा 7, तो ये आपका कितना आ गया 25 बटा 7। सभी बच्चे बताएं, सभी का आया इतना? मैम इसका आंसर 25/14 आएगा क्या? हाँ बिल्कुल सही। ठीक है सभी बच्चे साथ साथ बताएं, सबका इतना आया अनुचित भिन्न? बच्चों किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। तो ये आपका 25/7 क्या आ गया, अनुचित भिन्न। अब इस भिन्न की जगह, मिश्र भिन्न की जगह हम क्या रखेंगे क्वेश्चन में, अनुचित भिन्न। तो आपका क्वेश्चन था 3 4/7 को भाग देना है 2 से, 3 4/7 की क्या आ गई वैल्यू 25/7, 25/7 को हमें 2 से भाग देना है। ठीक है 25/7 को 2 से भाग देना है, तो हम ये क्या करते हैं, जब भाग की जगह आपका गुणा का चिन्ह आ जाता है और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम आ जाता है, तो 2 की जगह क्या आ जाएगा 1/2। बताओ बच्चों क्लियर है? Yes, 2 की जगह 1/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है मत कटे, तो हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, ऊपर 25 की 25 से गुणा करेंगे 1 की, 25 की 1 से गुणा करेंगे 25, और नीचे 7 की 2 से गुणा करेंगे 14, 7 × 14, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 25/14। बताओ बच्चों क्लियर है? यस मैम। और बच्चे बताएं, सब बताएं? यस मैम। ठीक है तो बच्चों पहले क्यों नहीं साथ साथ बताते, पहले बताओ, पहले बताया करो, कुछ नहीं आया करे तो पूछ लिया करो, एक एक स्टेप बताया करो ताकि मुझे भी पता चले कौन सा स्टेप आ रहा है। ठीक है चलो फिर एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछो फिर मैं आप। ओके मैम। ठीक है इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे। आपका क्वेश्चन है 8 4/5 को भाग देना है 11 से। ठीक है ध्यान से सभी बच्चे इसका क्वेश्चन को अपनी कॉपी में पहले सॉल्व करें, उसके बाद पोल सेक्शन में इसका आंसर दें। मैम पोल सेक्शन पे क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ, क्यों आ रहा होगा पोल सेक्शन में? देखें आपकी स्क्रीन पे, मैं आपको फोन की स्क्रीन दिखा रही हूँ, आपको नीचे फोन की स्क्रीन पे अपने 3 डॉट दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं बच्चों? देखिए मेरे फोन की स्क्रीन अब आपको दिख रही होगी, दिख रही है बच्चों फोन की स्क्रीन? फोन की स्क्रीन पर सबसे नीचे देखिए ये लाइन पे कॉल का बटन बन रहा है, वीडियो का, माइक का, हाथ का, और इसके पास 3 डॉट बने हैं, 3 डॉट को क्लिक करो, इन सबसे नीचे लाइन में जो 3 डॉट है इसे क्लिक करो, इसे दबाओगे तो ये आपके ऑप्शन आ रहे होंगे, आ रहे हैं बच्चे? इन ऑप्शन में देखो सबसे लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज गतिविधियां करके आ रहा होगा, गतिविधियां एक्टिविटीज, इसे दबाओ, इसे दबाने पर ये आपका, अच्छा पोल क्लोज हो गया। मैम मैं यही कह रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है बच्चे। हाँ सॉरी देखिए अब आ गया पोल वन एक्टिव करके। हाँ
इसे क्लिक करेंगे तो आपके चार ऑप्शंस आ रहे होंगे, जिस भी ऑप्शन को आपको लगता है सही आंसर है उसे क्लिक करें और वोट का बटन दबा दें। वोट का बटन दबाएंगे तो वोटेड लिखाएगा, तब मानिएगा कि वो आंसर आ गया है। ठीक है, अब सभी बच्चों को क्वेश्चन दिख रहा होगा वापस से, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करें देख करके अपनी कॉपी पे और फिर उसका आंसर पोल सेक्शन में दें। 8 4/5 को भाग देना है 11 से। सभी बच्चे सॉल्व करें और इसका आंसर पोल में दें। सबसे पहले मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलें। क्या करना है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलें, फिर हमें भाग देना होगा 11 से। फिर आप क्या करेंगे, आप पहली संख्या वैसी की वैसी रहेगी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाएगा और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम रखें और सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हाँ सॉरी मैम, क्या हुआ मैम, आंसर बता दिया गलती से। अच्छा अच्छा कोई नहीं, बाकी बच्चे आंसर दें। किस किस ने आंसर अभी नहीं दिया है, अच्छा किस किस ने आंसर दे दिया, आपने दे दिया, आपने दे दिया पंजाबी बजात के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया है, और किसने दिया, आपने भी दे दिया शेखा दीनू, बाकी बच्चे दें। बाकी बच्चे काला गुन्नू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है वो बच्चे आंसर दें पोल में, भोलू जाट के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है आंसर दें पोल में, मोहित कुंडू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है आंसर दें पोल में। मैं दे दिया आंसर, दे दिया, दे दिया मैम, आपने भी दे दिया, यस मैम। बच्चों मेरे पास पहुंचा क्यों नहीं है सबके आंसर, मेरे पास सिर्फ 4 बच्चों के आंसर गए हैं, बाकी बच्चे बताएं। बोलू जाट के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया बताएं, आपने दे दिया आंसर मैम जी, जिसके आंसर गए उनके नाम, नाम बेटा आ जाते हैं आपके नाम आएंगे लेकिन क्लास खत्म होने के बाद वो उसकी आंसर शीट निकालेंगे तब आ जाएंगे, ठीक है, आपके नाम आ जाते हैं लेकिन अभी नहीं दिखेंगे, वो क्लास खत्म होने के बाद दिखेंगे, अभी सिर्फ इतना दिख रहा है कि 4 बच्चों ने आंसर दिए हैं। शेर खान दीनू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है बताएं अनम्यूट करके, आपने दे दिया आंसर, यस मैम। सबकी स्क्रीन पे वोटेड लिखा आ रहा है, वोटेड, यस मैम। नो मैम, वोटेड लिखा नहीं आ रहा है, नो मैम। तो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया था, यस मैम। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद वोट का बटन दबाया, फिर से जाएं, फिर से 3 बिंदु दबाएं, उस पर एक्टिविटीज का क्लिक करें, एक्टिविटीज गतिविधियों पर क्लिक करें। हाँ अब आया आंसर आपका, आपका ही आया, एक्टिविटीज पर क्लिक करें, वोट के बटन पे क्लिक करें और फिर ऑप्शन पे और फिर वोट पे बटन पे, आप सबके आ गए आंसर, सभी बच्चों ने दे दिए ना, सबके आ गए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, आप में से आधे बच्चों ने बी आंसर दिया है और आधे बच्चों ने सी दिया है, तो सबसे पहले मुझे बताओ 8 4/5 कितना आया आपका,
आठ चार बटा पांच इसे चवालीस हाँ बटे पांच इसे अनुच्छेद भिन्न में बदला होगा, कितना आया? मैम, 44/5। हाँ सबका इतना ही आया, पहले पांच की आठ से गुणा की होगी, फिर चार को जोड़ा होगा, तो 5 8 40 + 4 44/5। क्लियर? तो सबका कितना आया होगा? 44/5। इतना ही आया। अब यस आपको मैम। क्या करना है, भाग देना है। क्वेश्चन आपका था 8 4/5 को भाग देना है आपको 11 से, तो ये आपका आंसर आ गया, 44/5 को भाग देना है 11 से। तो ये आपको क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया है, पहली संख्या वैसी की वैसी रहेगी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ जाएगा और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम आ जाएगा, है ना? तो बताओ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। 1/11 मैम। हाँ तो ये आपका 44/5 ऐसी रहेगा गुणा 1/11। सभी का बताएं, इतना ही आया? यस मैम। और फिर 11 को और 44 को काट देंगे मैम। हाँ अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 का टेबल देखते हैं, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, है ना? तो आपका यस आंसर कितना मैम। आया? 4/5। 4/5। तो इसका आंसर आ गया 4/5। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी बताया वो बताए उनका कैसे 11/5 आया। हमने ना भी रहा। बेटा यदि मुझसे बात नहीं हो रही हो तो अपने आप को म्यूट रखें। बताएं जिन बच्चों का 11/5 आया उन्होंने क्या गलती करी थी। क्लियर है? 11 से भाग देना है, तो 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो आएगा कितना, 4/5। 11/5 नहीं, 4/5। क्लियर? सभी बच्चों ने नोट कर लिया। नोट किया सभी ने? यस मैम। ठीक है, आगे चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब यस आगे चलते हैं, एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग सीखते हैं। अब दोनों भिन्न ही है, एक भिन्न है आपकी 2/5 और दूसरी भिन्न है आपकी 8/11। इसका बताएं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे। सिर्फ वही याद रखें, पहली संख्या ऐसी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह और दूसरी संख्या की जगह उसका व्युत्क्रम। मैम, 2/5 × 11/8। हाँ बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं, समझ में आ रहा है। व्युत्क्रम क्या हो गया, 8/11 का व्युत्क्रम, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, तो इसका मैम व्युत्क्रम बाईस क्या हो गया, बटे 11/8। पांच अब हम इसे गुणा करेंगे, और बच्चे बताएं क्या आएगा, भाग और गुणा करो। मैम 22/40 22/40 पर किसी से कट रहा है? मैम, दो से देखो, दोनों संख्याएं दो से कट रही हैं। 11/20 आएगा। हाँ 11/20, दो से देखो भाग दिया जा रहा है, 2 की 11 से करेंगे और दो से भाग देंगे तो 11/20, या फिर हम यहीं पे ही दो से भाग दे सकते थे, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, तो आपका 11/20 वैसे ही आ जाता पहले ही। ठीक है, तो यदि हमें पहले ही किसी का पहाड़ा दिख रहा हो, दो संख्याएं एक ऊपर की एक नीचे की घट रही हैं, कट रही हैं, तो पहले ही काट दो, नहीं तो बाद में काट लें। बताएं क्लियर है? यस मैम। तो इसी तरह एक और संख्या, पहले ही सबको समझ में आया क्या करा, 2/5 को भाग देना था 8/11 से, तो हमने भाग की जगह गुणा का चिन्ह करा और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम कर लिया। तो हमने क्या करा है, दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा कर दी। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि पहले भिन्न को दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/20। ठीक है, एक क्वेश्चन अब और देते हैं सॉल्व करने के लिए। 3/7 को भाग देना है, 3/7 को भाग देना है 2/5 से, बताओ कितना आएगा। मैम 2/3/7 × 5/2। हाँ
पहला स्टेप बिल्कुल सही बताया आपने, 3/7 गुणा 5/2। हाँ अब कुछ कट रहा है क्या? नहीं, कोई भी संख्या किसी भी केपी पहाड़े में नहीं आ रही है। नहीं आप कट रहे हैं। नहीं कट रहा है, तो गुणा कर दें, गुणा करके बताएं कितना आएगा। मैम 15 × 15/14। बिल्कुल सही, ऊपर आपका आ गया 3 × 5 = 15 और नीचे आपका आ गया 7 × 2 = 14। मैम ऊपर की 5 को गुणा, 3 से क्या कर देंगे तो हाँ 15 आ जाए, और हाँ 7 को पांच, 2। हाँ बिल्कुल सही बताया, 5 की 3 से गुणा करेंगे 15, 7 की 2 से गुणा करेंगे 14, तो ये आपका क्या आ गया 15/14। ठीक है, सबको समझ में आया 15/14? यस मैम। ठीक है, तो अब बताएं किसी को कोई डाउट यहाँ पर, नो तो मैम। एक क्वेश्चन पूछ लें, एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में देंगे इसका आंसर। यस सभी मैम। बच्चे एक क्वेश्चन देखें, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, नेक्स्ट 7/8 को भाग देना है 7/16 से। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे, पहले ध्यान से इसको अपनी कॉपी पे सॉल्व करें, फिर पोल सेक्शन में इसका आंसर दें। क्या करना है, पहली संख्या वैसी की वैसी, भाग की जगह गुणा का चिन्ह और दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम। क्या हुआ बच्चों, बहुत टाइम लग रहा है, किसी का भी वोट नहीं आया। पहला स्टेप बताएं क्या आया। सात बटे आठ आगे, हम 16/7 हाँ, और बीच में साइन काय का। गुणा इतना स्टेप सबने सही करा, 7/8 गुणा इसका व्युत्क्रम कितना हो गया 16/7। अब सॉल्व करें, आप जो कट रहा है उसे काटे, 7 से 7 कट रहा होगा, 8 से देखें 8 का पहाड़ा पड़े।
इसे बस गुणा करके आपको आंसर सही बताना है क्या आएगा। सही से बच्चों ध्यान से गणें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सिर्फ 3 बच्चों के आंसर आए अभी पोल में, बाकी बच्चे भी पोल में आंसर दें। किस किस ने आंसर दे दिया पोल में? मैंने दे दिया। अजीर बच्चों ने ऑप्शन दे दिए होंगे, नाम बता दो एक बार। मैं कह तो रही हूँ क्लास खत्म होने के बाद आपके नाम के आगे आ जाता है, भी क्लास जब तक चल रही है तब तक नहीं, बस इतना दिखेगा कि 3 बच्चों ने वोट दिए हैं। मैम मैंने दे दिए हैं। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। मैम मैंने भी दे दिया। बाकी बच्चों को अभी कितनी देर लगेगी आंसर देने में? बाकी बच्चे कितनी देर में आंसर दे रहे हैं? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। देखिए आधा क्वेश्चन तो बस सॉल्व है, आपको पूरा पूछा जा रहा था 7/8 को भाग देना था 7/16 से, तो भाग की जगह गुणा का चिन्ह आ गया, दूसरी संख्या की जगह दूसरी संख्या का व्युत्क्रम आ गया। अब आपने उसका 7/16 का व्युत्क्रम रख दिया 16/7। अब बस जो संख्या कट रही है उसे काटें और आंसर बताएं कितना आएगा। भोलू जाट के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बताएं बच्चे कितनी देर में आंसर देंगे पोल में? जतिन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं पोल में आंसर दें। पंजाबी बजात के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं जल्दी से आंसर पोल में दें। शुभम आपने अभी फिर से रिज्वाइन किया है, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। अभी 3 बच्चों के और आंसर आने हैं, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा अभी मैं पोल में देख रही हूँ सबके आंसर आ जाए, उसके बाद मैं इसका आंसर समझाऊंगी। 3 बच्चों के आंसर रह गए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल में आंसर दें। आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? बेटा जल्दी से लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लो, लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लो। लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लें बच्चे जल्दी से। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
बेटा आधा क्वेश्चन सॉल्व है, फिर इतनी देर क्यों लग रही है पोल में आंसर देने में? अच्छा बच्चे कौन कौन, दो बच्चे हैं ये बताएं मुझे, किस किस ने आंसर दे दिया? अच्छा लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो आंसर देखते हैं बच्चों, इतना सिंपल क्वेश्चन आपने आधा बता भी दिया था, फिर भी आपके आंसर काफी गलत आए हैं। केवल दो बच्चों के सही आए हैं, तीन बच्चों के गलत आए हैं। इसमें क्या करना था, बस आपको 7 से 7 को भाग दे दोगे, फिर क्या आएगा, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 एकम 8, 8 दुनी 16, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। उसमें भी आप में से दो बच्चों ने 1/2 लगाया, कुछ ने 49/108। जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या को भाग दोगे, 7 से 7 को भाग दोगे, 1 हो जाएगा, और 8 का पहाड़ा पढ़ोगे, 8 एकम 8, 8 दुनी 16, ठीक है। आठ का आठ, 8 दुनी 16, तो ये आपका कितना आ गया, 2। मैम क्वेश्चन बताओ वाली स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। मैम क्या नहीं दिखाई दे रही, स्क्रीन नहीं दिख रही? नो सभी बच्चे बताएं स्क्रीन दिख रही है मैम। आपको यस मैम दिख रही है? यस मैम। बेटा आपके यहाँ नेटवर्क का कुछ इशू हो सकता है, स्क्रीन नहीं दिख रही हो, तो एक बार जल्दी से जहां नेटवर्क अच्छा आता हो वहां ले जाओ फोन को, या लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लो, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे अपने आज इसी को ही देखेंगे, भिन्न यस को। मैम। हाँ आज आप भिन्न ही देखेंगे, भिन्न में आप अपनी अवंती की वर्कबुक खोलिएगा बेटा, साथ साथ जब तक लिख के नहीं करोगे तब तक नहीं समझ आएगा। नहीं आवाज सुनाई दे रही बेटा, सभी को आवाज आ रही है, कुछ नेटवर्क का आपके यहाँ इशू हो सकता है। मैम कल क्या बेटा, होमवर्क आपको दिया था? भिन्न ही का ही होमवर्क दिया था, भिन्नों का भाग देना और गुणा करना। ये आपका जो है पेज नंबर 25, पेज नंबर 25 पे आ जाए, कॉन्सेप्ट 18 आपका होमवर्क है। पेज नंबर 25 और 26 आपको होमवर्क में करना है। पेज नंबर 27 पर ही आपकी दो एक्सरसाइजेस हैं, 18.1 और 18.2, ठीक है। पेज नंबर 25, 26, 27 भिन्नों का भाग करना, इसे अच्छे से करके आएंगे। 25, 26, 27 क्लियर है, बताएं? यस मैम। ठीक है यस मैम। हाँ 25, 26, 27 आप होमवर्क में करके आएंगे, फिर कल पहले मैं एक क्वेश्चन भाग का पूछूंगी, उसके बाद आगे दशमलव पे चलेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही था, कोई डाउट हो तो आप बताएं, कोई डाउट? नो मैम। हाँ नो मैम। तो कोई डाउट